हेलो, देखिए बस्तिया के कुछ लोग हैं। हेलो हेलो हेलो, सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज मैं दोस्तों आ गया हूँ रसिया कंट्री में, और ये है सेंट पीटर्सबर्ग, रसिया का ही पोर्ट है। अभी आप देख सकते हो मैं अपने केबिन में हूँ, और यहाँ पर -12 से -18 डिग्री तक टेम्परेचर है। वो मैं आप लोगों को बाहर चल के दिखाऊंगा, तो अभी मुझे होना पड़ेगा रेडी। ठीक है, ये देखिए टाइम 11:51 हो रहा है। रसिया से इंडिया का टाइम जो है 2 से 2.5 घंटा आगे है इंडिया का टाइम। तो मैं अपना ड्यूटी ख़त्म करके आया केबिन में, रेडी हो गया नहा के। 3 घंटे है मेरे पास, 3 घंटे में वापस भी आना है, क्योंकि इवनिंग में 4 बजे मेरा वापस ड्यूटी शुरू हो जाएगा। तो मुझे उससे पहले 30 मिनट्स पहले यहाँ पर आना पड़ेगा जहाज़ में। तो चलिए आज आप लोगों को दिखाऊंगा मैं सेंट पीटर्सबर्ग सिटी है, वहाँ पे थोड़ा मुझे मार्केटिंग करना है, शॉपिंग करना है सर्दियों का। जहाज़ पर जो सेल करता है, ड्यूटी करता है, उसको पता ही होगा कि संडे को सारे जहाज़ों पर बिरयानी बनता है, वेज और नॉन वेज। तो चलता हूँ मैं मेस रूम में, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और आज संडे को बिरयानी बना है, तो उससे पहले, बाहर जाने से पहले कर लेते हैं हम लंच, इसके बाद निकलेंगे। तो आइए आप लोगों को भी दिखाते हैं मेस रूम हमारा कैसा है, यहाँ पर खाना खाते हैं। तो हम लोग जस्ट अभी बाहर आए हुए हैं, बस तो चली गई है। अभी 15 मिनट के बाद एक और बस आएगी, तो मैं उस बस से जाऊंगा, मैं और एक लोग और हैं। आइए आप लोगों को एक और दोस्त से मिलाते हैं। ये देखिए, नाम बता दीजिए अपना। अशोक कुमार, तो हरियाणा से हैं अशोक भाई, आज जा रहे हैं दोनों लोग बाहर। तो चलिए आप लोगों को भी मार्केट दिखाएँगे यहाँ का, और रसिया कंट्री जो सेंट पीटर्सबर्ग सिटी है वो भी दिखाएँगे। तो गाइस, मैं अभी आ गया हूँ सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट के बाहर। ये आप देख सकते हो हमारे पीछे पूरा आइस गिरा हुआ है भाई, पूरा वाइट है। ये देखिए हमारे पीछे ये पोर्ट है, ये देखिए पूरा वाइट है। आज का जो टेम्परेचर है यहाँ दोस्तों -9 डिग्री दिखा रहा है पोर्ट के डिस्प्ले में। तो गाइस, 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद ये देखिए बस आ गई है। ये है रसिया की बस, और हम लोग इसके अंदर हो जाते हैं। ये बस, और जहाँ देखिए टिकट सिस्टम लगा हुआ है, आपको कार्ड से पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ टिकट कोई देने वाला नहीं है, आपको कार्ड से पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग के पास कार्ड नहीं है, हम लोग बिना विदाउट टिकट जा रहे हैं। तो कई बार इससे पहले हम लोग जा चुके हैं, तो टिकट का सिस्टम यहाँ पर नहीं है। अगर आप पैसे देते हैं तो ऐसा नहीं करेगा, पैसे लेगा हम लोग, वैसे फ्री में जाते हैं और फ्री में आते हैं। ये काफ़ी हमको अच्छा लगा, पूरे सिटी में ये वाला बस मिल जाएगा दोस्तों, आपको कोई पूछने वाला नहीं है टिकट के लिए, आप वैसे जाओ। लेकिन यहाँ का जो पब्लिक है, यहाँ जो लोग रहने वाले हैं, इतने मतलब मानते हैं कि वो अपना कार्ड रिचार्ज करा के रखते हैं, हर जगह कार्ड यहाँ अटैच करके ही जाते हैं। ये चीज़ मैंने देखा, और हम लोग के पास नहीं है तो मैंने पूछा भी था, तो मैंने कहा चलेगा। गाइस, ये देखो बस अभी जा रही है, हम लोग यहीं पे उतर गए हैं। ये देखो आप, और बर्फ़ देखो यार यहाँ का। हाँ, सो गाइस, हम लोग आ गए हैं। अभी देखिए हम लोगों को क्रॉस करना है स्ट्रीट, यहाँ पर हम लोग देखिए गाड़ी चल रही है। यहाँ पर क्या सिस्टम है देखिए, बहुत सिस्टम का सिम्बल लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, ओके मॉल के सामने हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर भी बर्फ़ गिरा हुआ है, और आइए आप लोग को दिखा दें, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर सजावट हुआ है। देखिए बड़ा सा क्रिसमस ट्री है बना हुआ, और यहाँ पर टेपेमॉप लिखा हुआ है। ये देखिए, ये है यहाँ का क्रिसमस ट्री। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं मॉल के क्या क्या है। तो गाइस, हम लोग इंटर कर गए हैं मॉल में, ये है यहाँ का मॉल। हाँ, मैंने आते ही देखिए ये दिखा
डिस्काउंट है? पता नहीं डिस्काउंट है कि नहीं। ये देखिए आप यहाँ पर आते हैं, काफ़ी राहत मिला, यहाँ पर गर्मी है अंदर में। सो गाइस देख सकते हो आप, मैं मॉल के अंदर में आ गया हूँ और ये कपड़ा वाला डिपार्टमेंट है। और यहाँ पर देखो बच्चे का जूता लगा हुआ है बॉस, ये फर्स्ट फ्लोर ही है। ये यहाँ का सुपर मार्केट है, बहुत सारा आइटम है। इधर देख लीजिए ये है, और इधर पर अभी क्रिसमस डे है, यहाँ पर देखिए फूल पौधा लगा हुआ है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। चलिए तो अभी हम लोग इसमें तो देख लिए, कुछ लिया नहीं, अभी चलते हैं बाहर। बाहर देखकर पहले पैसे एक्सचेंज कराते हैं। सुबह सुबह गाड़ी आके इसको हटाती है, ये रोड क्लियर करती है, रखता है पूरा रोड क्लियर करेगी। और बाकी साइड में है जहाँ जहाँ पर चलने वाला जगह है ना, वहाँ पर रोड क्लियर किया जाता है जेसीबी लगा के। और अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट मार्केट। ये देखो आप पूरा गाड़ी आई सही सुबह है पूरा। ये देखो यहाँ के घर देखिए। हेलो, अभी दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, यहाँ का जो टेम्परेचर है ना, अभी आज का टेम्परेचर -9 डिग्री है और हवा आज बिल्कुल नहीं है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो गाइस हम लोग दूसरे मॉल की तरफ आ गए हैं। ये देखिए सामने एक मॉल है। तो गाइस हम लोग बैंक में आए हुए थे एक्सचेंज कराने। ये देखिए रशियन नोट है, 1000 का, 5000 का और 50, 100 का, 10 का है। यहाँ पे क्या सीन है, मैंने $100 दिया और इसने मुझे 8860 रुपये रिटर्न किया, रशियन रुपये। तो इसका एक्सचेंज हो गया भाई डॉलर का, तो इस समय रेट चल रहा है जो 88 रुपये चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ख़रीदा नहीं भाई, अब चलते हैं इसी मॉल में आगे। वो तो फ्रंट का डोर था, उसके बैक डोर पे जा रहे हैं, डिपार्टमेंट अलग है, वहाँ पर देखते हैं जैकेट और मंकी कैप, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो गाइस मैं देख रहा हूँ अभी जैकेट, ये देखो ये जैकेट है 3500 का, देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। मॉल देख लेते हैं, स्मॉल है, चलते हैं ट्राई आउट करते हैं ये वाला, देखते हैं कैसा है। तो गाइस कैसा लग रहा है ये देखो जैकेट, ठीक है ये 3500 रुपये लिखा हुआ है, कुछ डिस्काउंट देखते हैं अगर है तो मिलेगा। काफ़ी बढ़िया है यार, ये देखो फुल पैकिंग है, इधर -डिग्री के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। इसके बावजूद ये देखो ये कॉटन दिया हुआ है, अंदर पॉकेट भी है, एक ही साइड पॉकेट दिया हुआ है। चलते हैं इसको ले लेते हैं, फिर दूसरा देखते हैं। सो गाइस तो बैग हो गया मेरे पास, चलते हैं गेट की तरफ। ये देखो आप ये है रसिया का शॉपिंग। ये देखिए दोस्तों यही मॉल है जिसमें हम लोग गए थे, मैं ये फ्रंट का डोर है और बैक डोर से गया था हम लोगों ने, वहाँ पर जैकेट लिया और सॉक्स लिया। तो दोस्तों यहाँ का घर आप लोगों को दिखा देते हैं कैसा है घर, और उसके फ्रंट पे देखिए ये रोड गया हुआ पैदल जाने वालों के लिए देखिए बना हुआ है, और इधर गाड़ी आने जाने के लिए, और सामने बिल्डिंग है। ये देखिए जो पेड़ दिख रहा है ना, एक भी पत्ता इस पर नहीं है, पत्ता एक भी नहीं दिख रहा है भाई पेड़ों पे, और कुछ कटिंग किया हुआ है ताकि इस पर बर्फ़ ना टंगे। ये देखिए इधर भी देखिए, और घरों के सामने एकदम वाइट वाइट बर्फ़ जमा हुआ है भाई, एकदम मस्त लग रहा है एकदम। ये देख सकते हो आप पूरा वाइट हो गया है, पूरा वाइट 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 एकदम। अभी दोस्तों मैं एक सुपर मार्केट में आ गया, छोटा सा एक सुपर मार्केट है, वहाँ पर भी दिखा देता हूँ क्या क्या आइटम है। ये देखो आप खाने पीने का ये लगा हुआ है, और इस साइड में देखो सब शैम्पू लगा हुआ है कैंटीन, और इधर देखो आपको वाइन मिल जाएगा, इधर कॉमन है
सुपरमार्केट में भी आप कोई भी शराब रख सकते हो। और इस साइड में देखो जूस लगा हुआ है, ये देखो आप जूस। इधर किसी भी सुपरमार्केट में आप जाओगे ना तो पूरा कोल्ड ड्रिंक वाइन सब मिलेगा, कुछ भी आप लोग, कोई रोक टोक नहीं है। ये देखो पानी की बोतल है, ये ले लिए महाराज। ये देखो फ्रूट जूस है और इधर मिल्क है, मिल्क अभी भी इधर प्लास्टिक में और बोतल की शीशी में मिल रहा है, खाने पीने का आइटम है। तो देखो और इधर किंडर जो है मिल रहा है और बच्चे का, हम पास काफ़ी चीज़ है। तो हम लोगों ने कुछ सामान लिया खाने पीने का, अभी चलते हैं बाहर की तरफ, अभी हम लोगों को निकलना भी है। तो इधर देखो दोस्तों फ्रूट लगा हुआ है, वेजिटेबल्स लगा हुआ है, ये ओनियन है, पोटैटो है और ये कद्दू है, टमाटर, बैंगन, ये सब वेजिटेबल्स लगा हुआ है। इधर आपको ब्रेड आइटम मिल जाएगा, ये देखो आप, फ्रूट है बहुत सारा। तो लगभग ये डेली का जो सामान है ना यहाँ पर मिल जाता है सुपरमार्केट में। छोटा छोटा जगह जगह पर ऐसा सुपरमार्केट बनाया हुआ है, तो जो आपको रेगुलर का सामान है घर को खाने पीने का डेली वाला सामान है वो मिल जाएगा। इधर देखो केचप, जैम, ये सब रख रखा हुआ है। और बाकी इसमें आपको सी फिश मिल जाएगा, देखो पूरा पैकिंग का आइटम है यहाँ पर। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोगों ने कुछ आइटम ख़रीदा खाने का, बैग में पैक कर लिया है। शाम के बज गए हैं 3:50 हो रहे हैं भाई, 4 बजने वाले हैं, मुझे लगता है लेट हो जाएगा ड्यूटी में पहुँचने में आधा घंटा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं पोर्ट की तरफ, ये देखो आप। हाँ तो गाइज़ मार्केटिंग हो गया है, 4 बजने वाले हैं, लगता है मुझे लेट हो जाएगा आधा घंटा ड्यूटी में। तो अभी फ़िलहाल हम लोग निकल चुके हैं अपने पोर्ट की तरफ, ये देखो आप पूरा वाइट है। इधर झूला लगा हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं, पूरा वाइट वाइट हो गया है। समय नहीं है नहीं तो और हम लोग घूमते यहाँ पर क्या महाराज। हाँ ये देखिए हरियाणा के महाराज हैं बहुत इंजॉय करते हैं लेकिन समय नहीं है, अब हमको इनको छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि इनका टाइम अलग है ड्यूटी का, मेरा टाइम अलग है। तो 4:30 बजे मैं पहुँच जाऊँगा, दूसरे को रिलीव करना पड़ता है इस वजह से। यही है भाई सेंट पीटर्सबर्ग सिटी, तो हम छोटा सा एक वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी पोर्ट के लिए हमें बस पकड़ने पड़ेगी 17 नंबर की जो कि उधर से आएगी, वहां पर इंतज़ार करना पड़ेगा। सो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूं, देखिए ट्रैफिक पे, ट्रैफिक पॉइंट पे यहाँ पर ग्रीन सिग्नल हो गया, तो देख सकते हो आप ग्रीन सिग्नल होने पे आप क्रॉस कर सकते हो रोड। अभी मैं रोड क्रॉस करके इस साइड में आ गया, अभी मुझे करीब 100-200 मीटर। तो दोस्तों मैं अभी बस स्टॉप पे इंतज़ार कर रहा हूँ बस का, ये देखिए यहाँ बस का सिंबल बना हुआ है, तो यहाँ पर बस रुकेगी, जो भी बस आएगी ना जहाँ जहाँ सिंबल बना है, कहीं पर बैठने के लिए बेंच बना हुआ है, कहीं सिंबल है, यहाँ पर खड़ा होकर इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए हमारे पीछे कुछ सीट नहीं है बैठने के लिए। तो दोस्तों बस पकड़ के मैं देखिए जा रहा हूँ पोर्ट की तरफ, मैं अभी बस के अंदर बैठा हूँ, बस है जिससे मैं वापस गया था ना वही बस है, बस अभी आधा घंटा लग जाएगा वापस ड्यूटी ज्वाइन करने में। चलिए पोर्ट में। सो गाइस फाइनली मैं आ गया पोर्ट के बाहर, देखिए ये बस जा रही है, बस छोड़ के मुझे जा रही है और 2-3 लोग थे वापस पोर्ट से जाने के लिए सिटी में। तो शाम के 4:30 बज गए हैं भाई, अभी देखिए इधर लाइट वेट जल गया है, काफ़ी अंधेरा है, तो अभी मुझे 15 मिनट और लग जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लेते हैं आप लोग से विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।